हाय गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड यू आर वाचिंग टेक रोबस्ट। और आज हम बात करेंगे आसूस के जेनफोन 7 और 7 प्रो की, जो कि आसूस की तरफ से फ्लैगशिप सीरीज़ है। एंड वी नो कि जो जेनफोन सीरीज़ है हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप रही है, जो वन प्लस जैसे स्मार्टफोनों को एक काफ़ी अच्छा जो था कॉम्पिटिशन देती थी। एंड अब ये भी ताइवान में लॉन्च हो चुका है। अब इंडिया में कब लॉन्च होगा ये हमें पता नहीं है, बट डेफिनेटली आसूस हमेशा से जेनफोन सीरीज़ को इंडिया में लेते आया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में भी आएगी। तो आज हम इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा आपको अपने ओपिनियंस के बारे में, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन और क्या क्या खास फीचर हमें इस फोन में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको आसूस जेनफोन 7 और 7 प्रो के बारे में जानना है तो पूरी वीडियो देखें। एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल। वीडियो अच्छी लगी होंगी आपको तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नहीं लगी होगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले हमें 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है दोनों ही फ़ोन में, चाहे जेनफोन 7 हो या 7 प्रो हो। और अगर मैं इस डिस्प्ले की बात करूं तो ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड है अगर मैं इसकी प्रीवियस जनरेशन आसूस जेनफोन 6Z की बात करूं, क्योंकि उसमें एमोलेड पैनल नहीं था एंड जो उसका रिफ्रेश रेट था 60 हर्ट्ज का था। बट अब ट्रेंड चल रहा है कि एमोलेड पैनल प्लस हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, तो आसूस ने भी उसे अडेप्ट कराया है। एंड जेनफोन 7 सीरीज़ में हमें सेम 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। एंड इसमें फ्लिप कैमरा होने की वजह से कोई नॉच या फिर पंच होल नहीं है, तो एक पूरा एक तरीके से आपको बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी बात है काफ़ी लोगों के लिए जिनको नॉच या पंच होल पसंद नहीं है। सो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में आसूस जेनफोन 7 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो अगेन इसमें स्नैपड्रैगन 865 की सीरीज देखने को मिलती है, क्योंकि जेनफोन 7 में स्टैंडर्ड स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलता है। जो प्रो वेरिएंट है इसका उसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिलता है। दोनों में मतलब अगर डिफरेंस की बात करूँ परफॉर्मेंस में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी परफॉर्मेंस वाइज, बिकॉज ये नाम के लिए चाहे प्लस हो बट रियल वर्ल्ड में दोनों इतने पावरफुल चिपसेट है कि डिफरेंस देखने को मिलता ही नहीं है। सो परफॉर्मेंस वाइज तो काफ़ी अच्छे हैं ये, क्योंकि फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिल रहा है इस साल का आपको। देन जो वेरिएंट में जो रैम वगैरह है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, बिकॉज जो जेनफोन 7 है उसमें 6GB और 8GB रैम के दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। दोनों में 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज है और जेनफोन 7 प्रो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 8GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज। बट एक अच्छी बात है कि इसमें आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है, तो आप वो जो इंटरनल स्टोरेज है वो बढ़ा सकते हैं माइक्रो एसडी स्लॉट या माइक्रो एसडी कार्ड के थ्रू। एक और अच्छी बात है कि इसमें जो रैम है वो LPDDR5 है, जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 है। सो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छे हैं जेनफोन 7 और 7 प्रो, और यही हमें एक्सपेक्टेशन थी इस सीरीज से। अब यहाँ पे कैमरा में सबसे ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिलता है। तो कैमरे की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ फ्लिप कैमरा मॉड्यूल देखने के लिए मिलता है हमें, जैसा हमें जेनफोन 6Z में देखने के लिए मिला था। दो जो हमें रोटेटिंग मोटर देखने को मिलती है, आसूस क्या कहना है कि वो काफ़ी अपग्रेड करी है उन्होंने, ताकि जो है ड्यूरेबिलिटी है उसकी काफ़ी बढ़ जाए पिछले जनरेशन के मुकाबले। सो ये और उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जो 64 मेगापिक्सल का उसमें एक सोनी IMX686 सेंसर है जो कि इसका प्राइमरी सेंसर होगा। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिल जाता है, ये भी सोनी का IMX363 सेंसर देखने के लिए मिलता है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है। तो कैमरा वाइज जो कैमरा मॉड्यूल्स दे रखे हैं हमें, कैमरा सेटअप देने को मिला, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है कंपेरेटिवली। अगर मैं इसको अगर इंडिया में वन प्लस से कंपेयर करूँ तो वन प्लस से ज़्यादा अच्छे कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है हमें इसमें। एंड जो जेनफोन 7 प्रो है उसमें भी सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। डिफरेंस ये आता है कि जो जेनफोन 7 प्रो है उसमें आपको OIS देखने के लिए मिलता है उसके प्राइमरी 64 मेगापिक्सल सेंसर में, एंड जो इसका टेलीफोटो लेंस सेंसर है तो 4x OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। और जो इसका स्टैंडर्ड जेनफोन 7 है वहाँ आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। सो ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ही वेरिएंट में। ऑल दो जो मैं अगर बिना अगर OIS या EIS की बात ना करूँ तो कैमरा में काफ़ी अच्छा अपग्रेड है एंड काफ़ी अपीलिंग देखने को मिलते हैं। तो कैमरा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार जो जेनफोन 7 सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है आपको। एंड अब बात करते हैं लास्ट में बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी दी गई है, एक अच्छी बात है एक फ्लैगशिप में 5000mAh की बैटरी है। एंड जो जेनफोन 6Z था उसमें भी 5000mAh की बैटरी थी, तो वो बैटरी रिटेन करी है इन लोगों ने, मतलब कोई डिक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिला बैटरी में। एंड उसी के साथ हमें 30W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है, जो कि 0 से 60% 34 मिनट्स में कर देता है एंड 0 to 100% 90 मिनट्स में कर देता है, जो कि एक 5000mAh बैटरी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो एक अच्छी क्वालिटी का फास्ट चार्जर भी हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है।
सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज हमें Asus Zenfone 7 सीरीज में देखने के मिलता है, एंड ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये कि एक में OIS है एंड स्नैपड्रैगन 865 प्लस और थोड़ा सा इनबिल्ट जो मेमोरी है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, एंड बैटरी भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को इन दोनों ही फ़ोन में मिल जाती है। एंड एक चीज़ और बता दूँ, जो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर स्किन बोले जो इनमें है वो हमें देखने को मिलती है Zen UI 7 जो कि एंड्रॉइड 10 में बेस्ड है, एंड जो उसका UI है नियर स्टॉक एंड्रॉइड है, तो ज़्यादा डिफरेंस जो परफॉर्मेंस वाइज या फिर मैं बोलूँ एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, इसका यूज़र इंटरफेस या फिर यूज़र एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूँ काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि आपको एक नियर स्टॉक एंड्रॉइड जैसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है Zenfone 7 सीरीज में। प्राइस की बात करें तो अभी हमें इंडियन प्राइस पता नहीं है और हमें ये भी नहीं पता है कब लॉन्च होगा इंडिया में, बट हमें ताइवान का प्राइस पता है बिकॉज ताइवान में लॉन्च हो चुका है। तो ताइवान में Zenfone 7 के बेस वेरिएंट का जो 6GB रैम वाले का वेरिएंट है उसमें आपको 21,990 ताइवान डॉलर का अवेलेबल है जो कि 55,000 का है इंडियन में INR में कन्वर्ट करूँ, एंड जो Zenfone 7 प्रो है उसका 8GB वेरिएंट जो एक ही वेरिएंट है उसका हालांकि वो है 27,990 का, जिसको फिर मैं INR में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग 70,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो एक अच्छा खासा प्राइस भी आपको इसमें करना पड़ेगा, उस हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और जो स्पेसिफिकेशन है प्रोवाइड करवा रहा है Zenfone 7 सीरीज। अब देखना ये होगा कि इंडिया में किस प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है, मेरे हिसाब से तो OnePlus 8 सीरीज के आसपास हो तो ज़्यादा बेटर होगा, जैसे कि प्रीवियस जनरेशन इसकी हो रही थी OnePlus सीरीज को कम्पीट कर रही थी। अब ये फ़ोन यहाँ किस प्राइस के साथ आता है ये Asus ही बता पाएगी जब इंडिया में लॉन्च करेगी। आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के बारे में?